उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के खुर्जा में टायर फटने से फ्लाईओवर से गिरी बस, 8 यात्री घायल। खुर्जा से दिल्ली जा रही थी रोडवेज बस, जटिया अस्पताल में घायलों को कराया गया भर्ती। अलीगढ़ गाजियाबाद हाईवे पर अग्रवाल पुल के निकट टायर फटने से रोडवेज बस फ्लाईओवर से गिर गई। हादसे में करीब 8 यात्री घायल हो गए। 5 घायल यात्रियों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि मामूली घायल अन्य वाहनों से चले गए। हादसे की सूचना पर SDM लवी त्रिपाठी और CO दिलीप सिंह सरकारी अस्पताल पहुंच गए, जहां भर्ती 500 घायलों का उन्होंने हालचाल लिया। खुर्जा डिपो की रोडवेज बस बुधवार देर शाम सवारी भरकर दिल्ली जा रही थी, जब बस अलीगढ़ गाजियाबाद हाईवे के अग्रवाल फ्लाईओवर पर पहुंची तो इसी दौरान बस का टायर फट गया, जिससे बस फ्लाईओवर से करीब 10 फुट नीचे गिरकर पलट गई। हादसे में रोडवेज बस सवार गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र और खुर्जा क्षेत्र के लोग घायल हो गए, अन्य घायलों को मामूली चोटें आईं। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए, उन्होंने फ़ोन करके जानकारी पुलिस को दी। वही घायलों को बस से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार किया। हालांकि गनीमत रही कि अग्रवाल फ्लाईओवर चढ़ने के कारण बस की स्पीड धीमी थी, जब बस का टायर फटा तो वह बेकाबू होने लगी, तो इस दौरान कुछ यात्री बस से उतर गए, जिससे वे चोटिल होने से बच गए। खबर UMH न्यूज़, खुर्जा।